हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्पेस है गाइस, तो इसकी वजह से यहाँ पे वॉक वगैरह करना बहुत ही अच्छा लगता है। और सीरियसली सुबह सुबह उठ के अगर छत वगैरह पे आ जाओ ना, तो सुबह सुबह ही माइंड फ्रेश हो जाता है एकदम अच्छे से। और यहाँ आने के बाद मैंने मंगलसूत्र अपना निकाल के रखा हुआ है, तो जस्ट अभी उठ के आई हूँ, सीधा पानी पिया खाली एक गिलास, उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया था। और मम्मी ने चाय बना रखी थी, चाय वगैरह पी के आई। तो प्लीज़ गाइस, यहाँ के ब्लॉग को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस। तो बस, और आप सब कैसे हो कमेंट करके भी बता दीजिए, और मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई दूंगी, लेकिन थोड़ा सा लेट दूंगी क्योंकि फटाफट तुरंत यहाँ पे मैं एकदम से रिप्लाई नहीं कर सकती, थोड़ा सा लेट करूँगी। कुछ नेटवर्क इशू भी है यहाँ पे, तो वहाँ पे तो वाईफाई चलता था, तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता था, इतना स्पीड से नेट इतनी अच्छी से आ जाती थी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ी। तो आप लोग मेरे साथ मैनेज कीजिए जैसे मैंने मैनेज करना है यहाँ पे कुछ टाइम। हे गाइस, तो यहाँ पे ना ये वाली छत है, तो इस छत पे ना बहुत ज़्यादा मतलब मिट्टी मिट्टी हो रखी थी, तो मैंने सोचा चलिए हल्का हल्का झाड़ू लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ना इसको दूसरे दिन अच्छे से वॉश करूँगी। और आज मौसम भी ऐसे हो रखा था जैसे कि बारिश आ जाए, तो यहाँ पे पूरी छत की झाड़ू वगैरह निकाल दी है मैंने, और सारी छत पर इतनी ज़्यादा मिट्टी आई हुई थी आप देख सकते हो। तो सुबह सुबह आराम से झाड़ू लग जाता है तो अच्छा है, फिर बाद में दोपहर को तो हवा चलने लग जाती है ना, तो छत वगैरह की अच्छे से सफाई नहीं होती है। और यहाँ पे बस आज ना मतलब ऐसे हो रखा है मौसम जैसे कि बारिश आने वाली है, आज आ जाएगी तो ठीक है, नहीं फिर मैं इसकी अच्छे से वॉश करूँगी इस वाली छत को। और यहाँ पे ना ऊपर से आने के बाद नीचे ना मशीन लगा दी है मैंने, और अभी मैं मशीन वगैरह लगा दी है, तो आराम से फटाफट नहा लेती हूँ। ये सारे कपड़े धो के हैं जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ, वॉश करके रखना है यहाँ। हे गाइस, तो अभी बस जस्ट नहा के आई हूँ, और अभी मुझे बनानी है चपाती, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। और ये मेरी आउटफिट है, तो यहाँ पे बस अभी मैंने तवा वगैरह रख लिया, आटा वगैरह तो पहले ही लगा के रखा हुआ था। और गाइस, यहाँ आने के बाद कुछ टाइम तो मुझे थोड़ा सा मैनेज करते ही मतलब लग जाता है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता, और यहाँ पर बस सीधा चपाती बनाने के बाद फिर आगे के कुछ और काम करूँगी। और गाइस प्लीज़, आप लोग कुछ टाइम तक मेरे जो रियल फ्रेंड है ना, प्लीज़ कुछ टाइम तक मेरा सपोर्ट कीजिए, और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो कुछ टाइम तक तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ सपोर्ट दे ही सकते हो, और आप ज़रूर मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, और ये है सुबह सुबह का टाइम, आई थिंक सुबह तो क्या बोलूँ, 11:30 हो चुके हैं गाइज, और अभी बस जस्ट लगाने वाली हूँ पोचा। और यहाँ पे बहुत बड़ा घर है ना, तो वैसे पहले हम ना वैसे हाथ से ही लगाते थे, लेकिन अभी ना मम्मी की थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो मम्मी बोलती है कि वाइपर से लगा लो, वाइपर से भी मम्मी लगा लेते हैं, बहुत अच्छे से लग जाता है। तो चलिए, अभी मेरे को ना पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा मैंने लगा लिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने सोचा ये बढ़िया है, वाइपर से ही लगाऊँगी अभी। तो चलिए, चश्मा लगा के दिखाओ पहले, ऐसे पहननी है। हाँ। चलो फिर लगा के दिखा दो बाबू, ए आजो। हाँ जाओ, आप रूम में जाओ, मामा कपड़ा लेके आती है। हाँ? आप रूम में चले जाओ, हाँ मामा कपड़े लेके आती, ठीक है। हे गाइस, तो यहाँ पे बस अभी हमारा झाड़ू पोछा वगैरह सब काम कंप्लीट हो गया, और अभी मुझे करनी है चाय वगैरह बनानी है, तो अभी चाय वगैरह बनाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और आप लोगों को ये दिखाती हूँ, जो हरे छोले नहीं होते
वो वाले। और ये हरे छोले किस किस ने खाए, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये वाले हमारे ना मतलब जैसे मेरे गांव में खेत में होते थे, तो मैंने बहुत खाए हैं। और ये इन चने की जो खेती होती है वो भी हमने की हुई है, लेकिन यहाँ पे ससुराल में ना जैसे कि हमारे खेत वगैरह से नहीं है, ये बाहर आते हैं बेचने वाले, तो उनसे लिए थे। 50 रुपये की आई थिंक 6 गुच्छी थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद खाए हैं यहाँ आने के बाद। तो चलिए गाइस फटाफट से और काम करते हैं। यहाँ पे चाय बना रही हूँ क्योंकि अभी ना जो मेरी ननंद बोल सकते हैं बुआ सास की लड़की, तो वो आई हुई थी, तो उनके लिए चाय वगैरह बना रही थी। तो मतलब ज़्यादा तो उनके साथ में हम मतलब नहीं मिले बैठे, तो वो आई थिंक 2 से 2.5 घंटे के लिए, दो घंटे के लिए ही आए थे। तो बस थोड़ा सा मैंने सोचा चलिए थोड़ा बहुत ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ साथ साथ में। और यहाँ पर बस हमारी चाय वगैरह, और गाइज आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ना कम से कम 3 से 4 इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग शूट करके रखे हुए थे, और गलती से वो गैलरी में कई बार ऐसे होता है ना सिलेक्ट करके कोई वीडियो को मतलब डिलीट करना होता है, तो मैंने ना क्या क्या ऊपर का मैंने नहीं देखा, मैंने नीचे की कुछ वीडियो थी जो सिलेक्ट कर ली थी और मुझे नहीं पता सारी वीडियो सिलेक्ट हो गई है। तो कम से कम 2 से 3 दिन के वीडियो बनाए हुए थे, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ मन बहुत ज़्यादा, सारी की सारी वीडियो डिलीट हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो तब उसकी वजह से मैंने कुछ इस तरह से एक छोटा सा ये वीडियो आप लोगों के साथ मतलब शेयर किया है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख हुआ कि इतने दिन तक मैंने ना मतलब डेली मैं ऐसे ही बनाती हूँ ब्लॉग से कि एक दिन मेरे पास ना हो तो दूसरे दिन मैंने जो बनाए हैं वो अपलोड कर सकूँ। बस इस तरह से कई बार आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ ये ना सेकेंड बार हुआ है, पहले तो एक बार काफ़ी टाइम पहले हुआ था, तो उस टाइम भी और कई बार ऐसे होता है ना हमारे गैलरी से वीडियो डिलीट हो जाती है, तो काइन मास्टर में भी वीडियो नहीं आती है, तो ये चीज़ हो गई मेरे साथ। तो इसकी वजह से मैंने कुछ इस तरह से छोटा सा एक वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ मतलब शेयर किया। गाइज अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर बस चाय हमारी बन गई है, और एक मैंने कॉफ़ी बनाई है, 2 कप 3 कप चाय बनाई है। तो चलिए गाइज, और यहाँ पे ये वाला चाय का टाइम ना इवनिंग का टाइम हो चुका है। और गाइज आप लोग बताइएगा कमेंट करके आप लोग मतलब कैसे हो, आप लोगों को ब्लॉग्स कैसे मतलब अच्छे लग रहे या नहीं। बहुत सारे गंदे लोग भी होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ इस तरह वीडियो बनाए, कुछ ऐसे वीडियो बनाए, तो उनका मैं कभी भी मतलब इस तरह से कोई रिप्लाई नहीं देती हूँ, बहुत बुरा लगता है यार। ऐसा कोई अगर हमें कमेंट करता है तो आप लोगों को पता है कोई भी उसका रिप्लाई नहीं देगा।
गाइस तो अभी इवनिंग टाइम हो चुका है और ये देखिए ध्रुव बेटी। हे ध्रुव क्या कर ले हो? हाँ जी दे दो। हैं? कोनी। क्या दे दूं? वैसे हालत हो चुकी है, अभी ये देखिए अभी इसको करेंगे हम ठीक ठाक। और ये छोले किस किस ने खाए हैं, किस किस को याद है? और मैंने ना मेरे घर में खाए हैं और यहाँ पे ना आज बेचने वाला आया था तो देवर ने ले लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं काफ़ी दिन बाद। और ये देखिए गाइज तो कुछ इस तरह हालत हो चुकी है, अभी हम इसको करते हैं फटाफट से ठीक। तो चलिए कर लेते हैं इसको क्लीन और उसके बाद बनाते हैं सब्जी। तो सब्जी देखते हैं किस चीज़ का। और ये देखिए मम्मी आज गए थे ना सत्संग में, यहाँ पे दीदी है उनके घर सत्संग था तो मम्मी के प्रसाद लेके आए हैं और हमने खाया भी है, अभी थोड़ा सा बचा रखा है। और ये चीज़ भी खाली हो गई तो इनमें मम्मी डालेंगे। और यहाँ पर बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर ही मैं जो काउंटर टॉप है उसको, जो सेल्फ है उसको अच्छे से साफ करूँगी। और बर्तन इतने ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मली इतने वाले बर्तन तो होते ही होते हैं इवनिंग में चाय के, और ज़्यादातर तो जितनी बड़ी किचन हो ना उतनी ज़्यादा फैलती है। और यहाँ पे बस बर्तन वगैरह क्लीन होने के बाद फिर मैं जाऊँगी थोड़ी देर ऊपर वॉक वगैरह करने के लिए। और गाइस यहाँ आने के बाद मुझ में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, एकदम अच्छे से 4 या 5 दिन हुए होंगे आई थिंक मेरे को आए हुए, और इतने दिन में मुझे खुद को इतना अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा पतली हो गई हूँ। और वहाँ से तो पता है कुछ भी नहीं पता चलता इतना ज़्यादा, मतलब कई बार तो फास्ट फूड भी इतना ज़्यादा हो जाता है बाहर वहाँ का, और यहाँ आने के बाद फास्ट फूड बहुत कम हो जाता है तो इसका ही फ़र्क पड़ जाता है। कुछ मतलब सुबह सुबह के रूटीन भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, यहाँ पर आती हूँ तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो चलिए गाइज फटाफट से कर लेती हूँ बर्तन क्लीन। और गाइज आप लोगों को अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए गाइज फटाफट से करती हूँ बर्तन क्लीन और मैं अब मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। थोड़े थे चाय वाले तो अभी ये वाला बाकी, इनको थोड़ा सा और करते हैं ठीक। और यहाँ पे देख सकते हो किचन हमारा एकदम अच्छे से क्लीन हो गया, पूरा सामान एकदम एक जगह पर रख दिया है, बर्तन वगैरह सारे अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो फुल एक टोकरा है, थोड़े बहुत बर्तन सुबह के थे जैसे कि इसी के अंदर रखे हुए थे तो सारे बर्तन मतलब मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो चलिए गाइस आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। और आप लोगों को अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।